सरकार में भी मोदी सरकार 2 के आज एक साल पूरा होने पर आप क्या मानते हैं, क्या सरकार कामयाब हुई है जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं? मैं ये बात साफ तौर से कहना चाहूंगा कि सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हुई है, और इसलिए कि अफसोस इस बात का है और ताज्जुब भी है कि किस बिना पर ये खुशी मना रहे हैं अपने एक साल की तकमील का। आप देखिए कि लॉकडाउन की वजह से, जो मेरा मानना है अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जिसकी वजह से 140 से ज्यादा माइग्रेंट लेबरर्स की मौत हुई, सिर्फ दूसरी सेकंड मई से 25 मई के दरमियान में 80 लोग ट्रेन में मारे गए। आप देखते हैं कि लोग भूखमरी का शिकार हैं। आप देखते हैं कि लद्दाख में 5 किलोमीटर से ज्यादा टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी पर चीन ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि अपने एम्बुलेशन और बंकर्स बना दिया वहां पर। तो किस बात की खुशी मना रहे हैं? कल जीडीपी के फिगर्स आए, 40 साल में पहली मर्तबा 3.1 हमारा जीडीपी हो चुका है, 12 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है इस गलत लॉकडाउन की वजह से, 3,500 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। किस बिना से खुशी मना रहे हैं? आखिर आप किसकी बर्बादी का खुशी मना रहे हैं? आप यही तो भारत के सिटीजन है ना, और आप एक साल के मुकम्मल में खुशी मना रहे हैं। लेकिन ओवैसी जी, कौन खुशी मना रहा है? वो तो कह रहे हैं हम जश्न नहीं मना रहे हैं, प्रधानमंत्री ने एक ऑडियो संदेश जारी किया है। तो फिर ये पूरे अखबारात में पूरे मिनिस्टर्स के आर्टिकल लिखना और ये कहना कि 60 साल में जो काम ने वो काम करके दिखा दिया, हर जगह पर हर टीवी चैनल पर जाकर अपना बाजा बजाना कि हमने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया, तो जश्न नहीं है तो क्या है? आप बताइए कि हर जगह पर तकलीफ है, लोग मर रहे हैं, खास तौर से गरीब लोग मर रहे हैं, और इस सरकार को ये सूझा कि हम अपना एक साल के मुकम्मल होने का जश्न मनाएंगे, ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। आप लॉकडाउन को असंवैधानिक बता रहे हैं ओवैसी जी, लेकिन इसी लॉकडाउन की वजह से ये मुमकिन हो पाया कि जब विश्व में कोरोना का संक्रमण अमेरिका जैसे मुल्कों को घुटनों पर ले आया, वहीं भारत में हम भारी जनसंख्या घनत्व के बावजूद आज ऐसी परिस्थिति में है कि कम से कम हम लड़ रहे हैं, वरना जो यहाँ पर मेडिकल व्यवस्था है सब कुछ चरमरा सकता था। आप नहीं मानते, जब हमने लॉकडाउन की शुरुआत की थी लगभग 3 दिन में केस दोगुने हो रहे थे सर, और अब 14 दिन में हो रहे हैं, क्या ये लॉकडाउन की उपलब्धि नहीं है? बिल्कुल नहीं है ये लॉकडाउन। अगर लॉकडाउन की उपलब्धि अगर जो सरकार कह रही है, आप ये बताइए फिर आपने करीब 70 दिन के करीब होने आ रहे हैं। आपका जहां जहां इंटरनेशनल लेवल पर जिन जिन कंट्री से लॉकडाउन किया है, लॉकडाउन जब उन्होंने खत्म किया वहां पर केसेस पे कंट्रोल किया और उनके नंबर्स गिर रहे हैं। भारत विश्व का एक पहला देश है कि हम लॉकडाउन खत्म करने जा रहे हैं और हमारे केसेस में स्पाइक हो रहा है। पिछले 6 दिन से 6,000 से कम केसेस नहीं आ रहे हैं। रहा सवाल यूएस की बात मैडम, वहां पर भारत की जो मिडाइन एज है और यूएस की जो है उससे बहुत फर्क है। हमारे पास 26 साल है, वहां पर करीब 45 ईयर्स है। और एक बात हमको समझने की जरूरत है कि भारत में सिर्फ 5% लोगों की आप 60 साल के ऊपर है, यूएस में 15% है। हम क्यों यूएस से कंपेयर कर रहे हैं? और जब लॉकडाउन हर मुल्क में खत्म हो, केसेस कम हो रहे हैं, ये वाहिद कंट्री है जहां पर लॉकडाउन खत्म हो रहा है और हमारे केसेस बढ़ रहे हैं और मौत भी बढ़ रही है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है, ये किसी जगह पर नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे पास ही हो रहा है। अब जरा अन्य मुद्दों पर आने से पहले एक बार मजदूरों का जिक्र चुकी आपने भी किया, तो जिस तरह की परिस्थितियां बनी फिर सरकार सक्रिय हुई, बसों के जरिए, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए मजदूरों को उनके गांवों तक पहुंचाया जा रहा है, आपको नहीं लगता है ये वो मानवीय संकट है जिसके सामने तमाम राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होना होगा? राज्यों को हम आपस में टकराते देख रहे हैं इन विषयों पर, रेल मंत्रालय के साथ भिड़ी हुई है, ये एक मानवीय समस्या है जिसका मिलकर सबको हल निकालना था। मैडम और क्या कोऑपरेट करेंगे? आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनप्लान्ड लॉकडाउन देश पर थोप दिया और देश की गरीब जनता जिसको सरकार ने एक पैसा नहीं दिया वो बर्दाश्त कर रही है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60,000 मोटरसाइकिल सीज हुए, कई वाकयात पुलिस के हुए, लोग खामोशी से इसका कबूल किए। आप कह रहे हैं कि सरकार का तावन करना चाहिए,
अच्छा भाई ये बताइए, ट्रेन श्रमिक ट्रेन आप बता रहे हैं, 80 लोग कैसे मर गए? सिर्फ 10 दिन में 80 लोग मरते हैं ट्रेन में। झांसी में एक ट्रेन के टॉयलेट में 4 दिन से एक आदमी की लाश पड़ी रही और आप ट्रेन को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। आप फाइनेंस मिनिस्टर को ये तक पता नहीं कि कितने माइग्रेंट लेबर भारत में हैं और कितने जा रहे हैं। आप ये बताइए कि सारी दुनिया ने देखा कि एक बिहार का वर्कर अपने चेहरे पर तकलीफ का इजहार कर रहा है क्योंकि उसकी औलाद मर गई। दुनिया ने देखा कि ट्रेन के स्टेशन मासूम बच्चा अपनी माँ की लाश के पास खेल रहा है, इसका जवाब कौन देगा? 2 महीने में आपने, अगर आज आप लेबरों को लिख जा रहे हैं, किसने रोका आपको 25 मार्च से लिख जाने के लिए? जबकि केसेस में स्पाइक हो रहा है, इनकी अकलमंदी देखिए, इनकी दानिशमंदी देखिए, इनका विजन देखिए कि जब केसेस में स्पाइक हो रहा है और इकोनॉमी को आप खोल रहे हैं, ऐसे वक्त में हमको हमारे माइग्रेंट लेबर्स की जरूरत है। आप उनको भिजा रहे हैं, केसेस स्पाइक हो रहा है और आप गवर्नमेंट कह रही है कि हमसे कॉपरेट करिए। अरे भाई आपको किसने रोका था कि एक पायलट दिल्ली से उड़ता है मॉस्को के लिए, बीच हवा में मालूम होता है कि पॉजिटिव पेशेंट है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है कि पायलट को भिजा दे रहे हैं आप, वो पॉजिटिव निकलता है? आप बताइए मैडम, पानी पीने को नहीं है। अबरार एक लड़का मर गया, मेरे हैदराबाद से बिहार को ट्रेन जाती है, सुनील बच्चा मर गया, इसका जिम्मेदार कौन है? कोऑपरेशन, अरे आप क्या कर रहे हैं? कोर्ट में झूठ का और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि बगैर पैसे ले दीजिए। तेलंगाना गवर्नमेंट ने 5 लाख माइग्रेंट लेबरों को भिजाने के लिए 6 करोड़ का खर्चा किया। हर महाज पर मोदी सरकार नाकाम नहीं बल्कि अटर फेलियर कहा जा सकता है उसको। चलिए ठीक है, आपने आपने कोरोना और लॉकडाउन को लेकर अपना मतभेद और ये आक्रामक अंदाज आपका पहले से इन मुद्दों पर रहा है, लेकिन अनुच्छेद 370 का हटना, सीए, इन तमाम मुद्दों पर भी आप पहले बहुत आक्रामक थे। आगे बढ़ने से पहले, सवाल पूछने से पहले मैं बस ये जानना चाहती थी कि आपका स्टैंड अभी भी वही है या लॉकडाउन ने थोड़ा परिवर्तित किया है आपके मूड को? नहीं नहीं मैडम, मेरी मौत ही मेरा पोजीशन बदल सकती है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं उन सियासतदानों की तरह नहीं हूँ जो शाम में एक, सुबह में एक, दोपहर में एक बात करते हैं। 370 आपने हटा दिया, फिर हमारा लेफ्टिनेंट कर्नल कैसे मर गया, मेजर बच्चा कैसा मर गया हमारा, कश्मीर श्रीनगर के अंदर 15 घर बर्बाद हो जाते हैं, लद्दाख के अंदर आपने कहा यूनियन टेरिटरी बना दिया 370 को हटाकर। भाई साहब 5 किलोमीटर पर होम मिनिस्टर साहब जवाब क्यों नहीं देते? ITBP आपके तहत है, आप जवाब नहीं देते। आखिर आप चीन से बात कर रहे हैं मैडम, तो बताइए ना क्या बात कर रहे हैं चीन से आप? आपने देश को झूठ का डोकलम में, आपने झूठ का डोकलम में, आज भी पहले से ज्यादा उनके बंकर बन चुके हैं, सैटेलाइट के फोटो से झूठ नहीं बोल सकते। और हमारे प्रधानमंत्री इतने 56 इंच के स्ट्रांग लीडर के अपने मूड का इजहार देश से नहीं करते, अपने मूड का इजहार हजरत ट्रंप से करते हैं। और ट्रंप कहता है कि मोदी इज इन बैड मूड, व्हाट अबाउट द कंट्री? देश को तो मालूम होना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री चीन के बारे में क्यों नहीं कहते। आपने ममलापुरम किया, वुहान स्पिरिट किया, उसके बावजूद भी 370 हटाया और लद्दाख में 5 किलोमीटर पर हजारों चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है। इस पर बीजेपी खामोश है, ऐसा लगता है कि उन्होंने मौत को देख लिया, खामोश बैठे हुए हैं। इस पर औपचारिक रूप से तो नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की अभी चीन के इस लॉकडाउन के बाद बातचीत नहीं हुई है ट्रंप से, तो आप ट्रंप पर भरोसा करेंगे या प्रधानमंत्री पर? हमारी देश के गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि ट्रंप झूठा है, झूठ बोलता है। अरे सर, कूटनीति में ऐसी बात की जा सकती है क्या, जब आपको विश्व में तमाम देशों से रिश्ते बनाने होते हैं, डिप्लोमेसी का ख्याल रखना होता है? जी बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि मुझे नरेंद्र मोदी से पॉलिटिकल इख्तलाफ जिंदगी भर रहेगा, मगर मेरे देश का प्रधानमंत्री है और अगर कोई मेरे देश के प्रधानमंत्री को झूठा कह रहा है, झूठ बात कह रहा है, और हमारा हमेशा से ये पोजीशन रहा कि हम किसी दूसरे मुल्क को हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिका का ट्रंप कौन होता है? हमको क्लियर कट कहना चाहिए था कि गलत कह रहा है। चलिए झूठ अगर स्ट्रांग वर्ड है तो इज मिसलीडिंग, द प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट स्पोकन टू ट्रंप, आप ये भी नहीं कह सकते। चलिए अब चीन की आपने बात की सर, जरा पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। पीओके को लेकर जिस तरह का आक्रामक अंदाज मोदी 2 में पहले साल में रहा है,
हम जाफराबाद और उन तमाम इलाकों के गिलगित बल्तिस्तान इन सबका हम मौसम भी बताने लगे हैं, आपको लगता है कि इससे इमरान खान और पाकिस्तान दबाव में है? मतलब देखिए, जहां तक भारत की इंटीग्रिटी का मामला आएगा, हम बराबर सरकार किसी की भी उनके साथ करेंगे, मगर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद भी कैसे एक लेफ्टिनेंट कर्नल की, एक मेजर की, हमारे सिपाहियों की मौत क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है, क्यों आप क्या इसको रोक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सिक्किम में चीन घुस रहा है आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं। अरे भाई मैडम, जिस तरह आपने पाकिस्तान के बारे में सवाल किया, इस तरह तो दूसरे एंकर्स को भी, दूसरे बीजेपी के पॉलिटिशियंस को बोलना चाहिए ना चीन के ऊपर। और इमरान खान हो या चीन का सदर, भारत की इंटीग्रिटी का सवाल आएगा, हम अपने सियासी इख्तलाफात को हमेशा से उसको बराकर रखे, तो जवाब देना पड़ेगा ना मैडम, कभी तो जवाब दीजिए आप कि भाई आप ये क्यों हो रहा है। 370 आपने कहा था कि अगस्त 5 के बाद सब खत्म, कुछ नहीं होगा, मगर आज भी वहां पर गड़बड़ हो रही है, आज भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, नौजवान लड़कों की भर्ती हो रही है, तो फिर क्या हो रहा है वादी में? लेकिन बीते दिन तो उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ी, और आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, जिस तरह से सुरक्षा एजेंसी सतर्क है, एक गाड़ी में वहां पर धमाके से लगभग 40 किलो IED था, उसको उड़ाया गया, तो सतर्कता बरती जा रही है। ठीक है, मगर पुलवामा का राज तब तक नहीं खुला ना। पुलवामा का वो जो सुसाइड बॉम्बर था, उसके आज भी DNA के सैंपल गवर्नमेंट के पास हैं। अब तक आपने कितनों का अरेस्ट किया पुलवामा, बता दीजिए, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। अरे बताइए ना देश को, आपने तो पुलवामा के नाम पर इलेक्शन जीत गए, मगर देश को तो बताना पड़ेगा ना कि पुलवामा में कितना प्रोग्रेस हुआ, NIA ने कितना क्या किया, आप नहीं बता पाते। एक पुलिस ऑफिसर ACP रैंक का पकड़ा जाता है टेररिस्ट को लेकर जाते हुए, उसका क्या प्रोग्रेस है बताइए आप, उसके बारे में कुछ नहीं बताते, खामोशी है, सन्नाटा है बीजेपी गवर्नमेंट के पास। वैसे साहब, चूंकि चीन पर आप बार बार आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ही, और आपने कहा कि जब भी डिप्लोमेसी का मामला आएगा तो मैं अपनी देश के सरकार रहूंगा, तब मैं राजनीतिक जो भी खिलाफत है उसको दरकिनार करूंगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे गलत करार दिया है, क्या आप इस पर निंदा करना चाहेंगे उनकी? अगर हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लोगों ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया तो मुझे इजाजत दे दीजिए आप, क्योंकि वो जो कमेंट करेंगे किसी दूसरे मुल्क के बारे में तो मैं बराबर उनके साथ हूँ। मैंने ये, मेरा मौका ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, ये हमारे देश का आखिरी कोर्ट है। अब पाकिस्तान अगर इसमें मुदाखलत कर रहा है तो फौरन मोदी सरकार को, अपने स्पोक्स पर्सन को कहना चाहिए कि भाई साहब जरा TV पर आइए, अंजन ओम कश्यप के प्रोग्राम पे बैठिए 6 बजे और फौरन इसके कंडेम करिए। और ये अगर MP को बोलना पड़ा है तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैडम, मानता हूं कि ये लोग फॉरेन अफेयर्स भी नहीं चला पा रहे हैं कि एक देश की सबसे मशहूर एंकर को एक नादान किस्म के हेट स्पीच बोलने वाले MP से पूछना पड़ रहा है कि आप कम से चलिए, मैं कंडेम करता हूं पाकिस्तान के इस बयान को। लेकिन आप एक नादान MP है ऐसा हम कतई नहीं मानते, आप अपनी बात बहुत जोरदार और धारदार तरीके से रखते हैं, इसीलिए आपको हमेशा आमंत्रित करते हैं, क्योंकि विपक्ष की आवाज भी बुलंद होनी चाहिए एक ऐसे दिन जब सरकार 6 साल पूरी कर रही है और दूसरे कार्यकाल में पहला वर्ष। अब मैं आती हूं सर, पूरे कोरोना की जो लड़ाई है उसमें हम जिस तरह से राज्यों को देख रहे हैं, महाराष्ट्र में आंकड़े सबसे ज्यादा है, दिल्ली में भी है, गुजरात में बहुत ज्यादा है, और इन सब के बीच पलायन का ये मुद्दा जो लगातार उठ रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि राज्य भी अपनी भूमिका में कहीं 2 कदम पीछे हटते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि श्रमिक स्पेशल नहीं, आपने कोरोना स्पेशल बना दिया है, आप ठूस ठूस कर लोगों को भेज रहे हैं, मतलब हर राज्य लगभग किसी एक को पिकआउट करना शायद नाइंसाफी होगी, उनको कोरोना कैरियर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसका क्या इलाज है? मैडम मैं आपके सवाल से बिल्कुल मुतफिक हूँ, मैं तो इन नॉन BJP चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि आपने इस लॉकडाउन को कबूल क्यों किया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मैडम। अगर आप स्टेट लिस्ट देखेंगे, स्टेट लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक हेल्थ तो स्टेट का है। आज क्यों ममता बनर्जी चीखे मार रही है? आप पहले 25 आपको कह देना चाहिए था कि लॉकडाउन होगा तो हमारे स्टेट के रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हमको कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है, आपने जब नहीं कहा। अब रहा सवाल स्टेट की शिकायत का,
मैडम मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार इस प्रोग्राम में आकर कह दे कि आपने स्टेट को कितना पैसा दिया। तेलंगाना की सरकार 6 करोड़ रुपए अपना जेब से देती है माइग्रेंट लेबरर्स को भिजाने के लिए। हमारा चीफ मिनिस्टर पुकार पुकार कर इस बात का डिमांड कर रहा है कि स्टेट का जो लोन है उसको डिफर करिए, आप नहीं करते। आरबीएम एक्ट को 3 से 5% करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम भीख मांग रहे हैं। वेज एंड मींस एडवांस 100% करिए, आप नहीं करना चाहते। आखिर आपने स्टेट को क्या मदद की है अब तक बता दीजिए आप, सिवाय इसके कि आपने एनडीएमए का सेक्शन 6 को इस्तेमाल करके आप दिल्ली से बादशाह सलामत एक फतवा जारी करते हैं स्टेट खत्म कर दो। अरे भाई गुजरात में क्या हो रहा है बताइए ना, गुजरात में नाफिस किस्म के डुप्लीकेट किस्म के वेंटिलेटर्स लगाए गए और वो सप्लायर कौन था, उसने 25 लाख का सूट प्रधानमंत्री को दिया था, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। आप देश को क्या मदद कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने तो 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है और वो कह रहे चरणबद्ध तरीके से सबको फायदा पहुंचेगा, कुछ को डायरेक्ट पैसा और एमएसएमई सेक्टर में इजी टर्म्स पे लोन के जरिए वो फिर से अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश में कर रहे हैं। आपने निर्मला सीतारमण जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज देखा ही होगा। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ की वो 20 लाख करोड़ का जो कहा गया की 10% ऑफ जीडीपी था, मैंने जितने देश के माहिरीन इकोनॉमिस्ट थे उनके तमाम आर्टिकल पढ़कर कह रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि वो जीडीपी का 10% नहीं है, 1.4% भी नहीं है मैडम, 1.4% भी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, क्यों देश के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। 20 लाख करोड़, अरे 1.4 लाख 10% ऑफ जीडीपी, झूठ, 1.4 लाख भी नहीं है। अच्छा एमएसएमई को आप कह रहे हैं कि 3 लाख का लोन लीजिए, मैडम लोन बैंक चलू जाकर, बैंक मुझे देगा, गरीब को देगा बैंक लोन? अगर लोन बैंक लोन देता तो ये 25 करोड़ माइग्रेंट लेबर रोड पर नहीं निकलते मैडम, बैंक तो जाते हैं वो लोग। कहाँ बोल रहे हैं, किधर सच्चाई जो, है? जो आप तेलंगाना का जिक्र कर रहे हो वैसी साहब, वो एक एग्जांपल था, केसीआर की हर किसी ने प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने परिस्थिति देखी, उन्होंने कहा कि नहीं जो मजदूर भाई हैं आप यहीं रहिए, हम आपको खाना देंगे, हम आपको रखेंगे, क्योंकि इस तरह का पलायन और इसको मैनेज कर पाना, आप सोचिए कितने दिनों से अब मजदूरों को पहुंचाया जा रहा है, लाखों लाख, अभी तो आंकड़ा भी नहीं है किसी के पास कि कितने मजदूर हैं, खुद वित्त मंत्री के पास भी स्पष्टता नहीं है, किसी के पास नहीं है। ऐसे में एक एग्जाम्पल सेट हुआ जो केसीआर ने किया, क्या आपको नहीं लगता है वो सही रास्ता था? तो क्यों नहीं, केसीआर के इस मेथड को भारत सरकार ने सराहा, उसको माना क्यों नहीं? जब एक चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि मैं इनको अपना मेहमान मानता हूं तो दूसरे चीफ मिनिस्टर और बीजेपी ने क्यों कबूल नहीं किया, और क्यों नहीं आपने अब तक केसीआर की मदद की? 1000 वेंटिलेटर का हमने डिमांड किया, आप नहीं देते हैं। मैडम जीडीपी 3.1% हो चुका है, 40 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है। लॉकडाउन में आपने क्या तैयारी की बताइए ना, आपने, आपको नहीं मालूम था अगर आप 25 मार्च से ट्रेन को भिजाना शुरू करते तो ये पूरे लेबर जाते। आज आप इकोनॉमी को खोल रहे हैं, फैक्ट्रीज को खोल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट को खोल रहे हैं, एमएसएमई को बोल रहे हैं कि जाके लोन लो, मजदूर कहाँ पे जाएगा? और मजदूर को कैसे भी जा रहे हैं कि ट्रेन निकलती है बंबई से, जाना गोरखपुर पे, ओडिशा पहुंच जाती है, पीने का पानी का इंतजाम नहीं। आखिर ये सरकार क्या कर रही है? आप कब तक अपने झूठ को, अपनी नाकामियों को छुपाते रहेंगे? अगर स्टेट गवर्नमेंट ने काम किया तो उसको कबूल करिए। मैडम आप देखिए कि गुजरात हाई कोर्ट के जज को कहना पड़ा कि इनको कोविड नहीं मारेगा बल्कि इनको भूख से मर जाएंगे, और खुद एडवोकेट जनरल कहता है गुजरात का कि अगर सबका टेस्ट कराएंगे तो 70% गुजरात कोविड निकलेगा। तो टेस्टिंग करिए ना, कौन रोक रहे हैं आपको टेस्टिंग करने के लिए? भारत में सबसे लोएस्ट टेस्टिंग है पूरी दुनिया में, आप टेस्टिंग को बढ़ाते नहीं है और आप कहते हैं कैसा है। बात मुख्यमंत्रियों की हो रही है तो आपने अरविंद केजरीवाल पर भी हाल में हमला किया, आपने लिखा कि मरकज के लोग जब क्वारंटीन सेंटर्स में ठीक भी हो जा रहे हैं फिर भी उनको रिलीज नहीं किया जा रहा है, उनको घर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या हुआ था ये? वो जो ट्वीट है थोड़ा आप उसको फिर से पढ़ लीजिए। मैंने लेटर लिखा था होम मिनिस्टर अमित शाह को, क्योंकि दिल्ली का पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, कि इनको इनके रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी इनको नहीं छोड़ा जा रहा है, और मैंने उनसे मुतालबा किया था कि इनको फौरन छोड़ा जाए, तो एमओएस किशन रेड्डी ने जवाब दिया कि हम कार्रवाई करेंगे।
मगर गैर जरूरी उनको 3 हफ्ते आप लोग 4 हफ्ते उनको वहां पर एक किस्म से किडनैप करके रखे थे, टेस्ट हो गया सब हो गया, जान नहीं दे रहे। हाँ ठीक है, जो फॉरेनर्स है उनको आपने केस बुक किया, मगर ये तो भारत के सिटीजन थे, अब वो लोग आ रहे हैं। रहा सवाल अरविंद केजरीवाल का, मैडम तो मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब दिल्ली जल रहा था तो दिल्ली के मुख्यमंत्री महात्मा गांधी के बापू घाट पर जाकर बैठे थे, उनका काम ये था कि केजरीवाल निकलकर उन महलों में जाते, हिंदुओं से बात करते, मुसलमानों से बात करते, उनको समझाते, मगर वो बापू के घाट पर जाकर बैठ गए, गांधी की समाधि के पास जाकर बैठ गए। तो ये इनका चेहरा है। पर आपको एहसास है ना वैसी जी कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं, आप हर किसी से दुश्मनी मोल ले लेते हैं, फिर तो परिस्थितियां ऐसी बनती है ना कि ये सब भी आप पे आक्रामक होते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए ये तो किसी ना किसी तरीके से बीजेपी की ही मदद करने में, बी टीम बनने में लगे रहते हैं। क्योंकि आप देखिए, आप चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, आप सब पर बोलने लगते हैं, सबको सबसे दुश्मनी मोल लेते हैं। मैडम अगर सच्चाई को बोलने के लिए सारी दुनिया से दुश्मनी मोलना पड़ेगा तो मोल लूंगा, कम से कम जब खबर में जाऊंगा तो इस बात का तो पिछनिकी नहीं रहेगी कि मैंने सच को नहीं बोला। दुश्मनी कर लेंगे, कोई खुदा है क्या ये तमाम जिनका आप नाम लिए खुदा है क्या? मेरी और आपकी इज्जत देने वाला तो ऊपर वाला है मैडम, रिजर्व देने वाला वो है, ये लोग क्या करेंगे? बहुत जबरदस्त क्या करेंगे आप? आपके अख्तियार जो कर लें कर लीजिए, मगर सच को तो बोलना पड़ेगा ना। आप देखिए, एक बात सुनिए मैडम, आपके ताल्लुक से माने आपकी फ्रेटर्निटी के ताल्लुक से कहा गया कि आप लोग वल्चर्स हैं, आप माइग्रेंट लेबर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या आप वल्चर्स हो गए? क्या मीडिया अपना काम ना करे? सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ कहती है 31 मार्च को, कहा कि कोई रोड पर नहीं है जबकि लोग रोड पर हैं, वल्चर्स कह दिया गया मीडिया के लोगों को, और मीडिया काम ना करे, इस पर भी तो बोलना पड़ेगा। तो इस माहौल ऐसा है मैडम कि सिर्फ तारीफ करो, पावर में वो चाहता है कि उनके खिलाफ कोई अपोजिशन की आवाज ना आए, सब कवाली पार्टी बन जाए, मुशायरा करें, वाह 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 करें, ये मुझसे नहीं हो सकेगा, बोलना पड़ेगा। गलती जहां पर बीजेपी की होगी, मोदी सरकार की होगी, बोलेंगे। हाँ मैं भी गलती कर रहा हूँ, बोलिए मेरे खिलाफ, आप कौन रोक रहा है आप? लेकिन इस पर तो सवाल मैंने खुलकर किया, कानून मंत्री से कुछ देर पहले किया, कि इस तरह की बात जब सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कोर्ट में मीडिया के बारे में, तो क्या आप, आपकी सरकार इससे सहमत है? तो उन्होंने कहा कि एक संदर्भ में यह बयान दिया गया था, हम मीडिया का सम्मान करते हैं, हर मुद्दे पर आप सवाल तपाक तपाक मुझसे पूछ रही है, यही इस बात का परिचय है। तो यही तो इनकी थ्योरी ऑफ कंक्लूजन है कि ये कोर्ट में एक बात कहेंगे, जब कोर्ट में एसी बात करेंगे तो वो सरकार की बात करेंगे, और कानून मंत्री आपके पास आकर दूसरी बात करते हैं। एएसजी का पूरा इशारा मीडिया के ऊपर था, वो मीडिया पर तनकीद कर रहे थे, और जो एनजीओ काम कर रहे हैं उनके बारे में कहा देयर प्रॉफिट्स ऑफ डूम, जो मीडिया के लोग पैसे जमा करके अपना पैसे दे रहे हैं गरीबों को खाना किराया, वो प्रॉफिट्स ऑफ डूम है, जो जो लोग काम कर रहे हैं हर काम आप सबको। वैसे साहब चलते चलते अब एक आखिरी सवाल, देखिए आने वाले दिनों में परिस्थितियां सामान्य होंगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा, तो पहला वो कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी को हम देश की संसद में आक्रामक अंदाज में देखेंगे? कौन सा वो मुद्दा है जो आपके मन में इस वक्त सबसे अहम है, जिसको आप ठीक होने के बाद परिस्थितियां उठाना चाहेंगे? ये मोदी सरकार ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनप्लान लॉकडाउन की वजह से देश के 25 करोड़ माइग्रेंट लेबरर्स को बर्बाद कर दिया, उनकी मौत के जिम्मेदार है, उनके भूख के जिम्मेदार है, और जो नौकरियां चले गई है 12 करोड़ और कभी आने वाली नहीं है, GDP 3% हुआ, -30% होने वाला है, यह मुद्दा होगा। इन गरीबों को सरकार को इनके अकाउंट में पैसे डालना पड़ेगा, अब या तैयार हो जाइए, देश की जनता को बताना चाह रहा हूं कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, और इसलिए कि मोदी सरकार की गलत प्लानिंग की वजह से, इनके धोखे की वजह से लोगों को कह दिया कि थाली बजाओ दिए जलाओ, आज 25 करोड़ लोग नौकरियां को बेरोजगार हो चुके हैं। अच्छा सर ठीक है, एक सवाल मेरे मन में जो शुरू में भी मैं पूछना चाह रही थी, लॉकडाउन लागू करने की सही नीति क्या होती है, अगर अनप्लान्ड था तो सही तरीका क्या है? मैडम सही तरीका यह होता कि मुझे और आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता, सर फिर तो संक्रमण बढ़ जाता ना, पहला केस 30 जनवरी को आया था सर। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, पहली 30 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक 15 लाख आपने पैसेंजर्स को अलाउ किया इंडिया में, क्यों अलाउ किया? आपने टेस्टिंग शुरू कर सकते थे, आपने आप माइग्रेंट लेबरर्स को आज भी जा रहे हैं, आप उनको पहले भी जाते, सिर्फ माइग्रेंट लेबरर्स को आप कुछ नहीं करते, आप टेस्टिंग को बढ़ाते, आप अस्पतालों में ICU यूनिट बढ़ाते, बेड कैपेसिटी बढ़ाते,
क्या हो रहा है मैडम, आज दिल्ली में लाशें रखने की जगह नहीं है। दिल्ली के अस्पताल में कंटेनर लाकर रखा गया है कि लाशों को उसमें रखा जाएगा। ये भारत में हो रहा है, हम चांद पर सैटेलाइट भेजना चाह रहे हैं और गरीबों से इनकी जिंदगी का ये हाल करेंगे। अफसोस होता है कि एक साल के मुकम्मल पर बीजेपी खुशियां मना रही है। अरे आप बर्बादी पर किसी की लाशों पर अपनी खुशियां मत मनाइए। लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त जरा हमें और मिला है, इसीलिए वैसी जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक वक्त पर जब ये संक्रमण नहीं हुआ था, कल्पना करना मुश्किल था जिस तरह का विरोध हम सीएए को लेकर आपकी पार्टी की तरफ से देख रहे थे, शाहीन बाग से लेकर तमाम जगहों पर विरोध बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन लॉकडाउन ने सब पर लॉक लगा दिया, सरकार पर भी लगा दिया मैडम। कौन सा एनपीआर, सरकार पर भी तो लग गया लॉकडाउन, एनपीआर एनआरसी कहाँ कर पाया आप? बड़े बड़े दावे कर रहे थे भाई, बड़ा मैं स्टेटिस्टिकली कह रहा हूँ, कोई खुशी में नहीं कह रहा हूँ, वरना कल चला देंगे दूसरे चैनल वाले के असदुद्दीन ओवैसी ने अंजन ओम कश्यप के साथ लॉकडाउन का मजाक उड़ाया। नहीं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से ना आप एनपीआर कर सके ना एनआरसी कर सके। अच्छा मैडम एक बात बता, ये बोलते हैं ना कि इतना इनके पास अकाउंट है, अरे भाई आप माइग्रेंट लेबरर्स का आपके पास क्या है बताइए ना? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा लेबर मिनिस्टर को? कहाँ है लेबर मिनिस्टर हमारे? लेबर मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठते। बेचारे शरीफ अदबी है, सीनियर एमपी है 7 मरतबा के, मगर कहीं पर नजर नहीं आते। लेकिन जिन जनधन खाता बनाने पर एक वक्त पर आप लोग मजाक उड़ाते थे, उनका कहना है कि हमने सबका खाता खोला तभी तो हम डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए जितनों को भी मदद पहुंचा पा रहे हैं पहुंचा रहे हैं। क्या अगर आपका जनधन अकाउंट इतना कामयाब होता मैडम तो वो बच्चा अपनी माँ के लाश के पास खेलता नहीं? अगर आपका जनधन अकाउंट इतना कामयाब होता तो ट्रेन में 85 लोग नहीं मरते? अगर आपका जनधन अकाउंट इतना कामयाब होता तो देश में आज एक माइग्रेंट लेबर्स वापिस नहीं जाते अपने घर को? आपका जनधन अकाउंट कामयाब हुआ? अगर बीजेपी ये कह रही है तो उनको शर्म आनी चाहिए। हकीकत की दुनिया में आइए, रियलिटी को फेस करिए। अगर आपका जनधन अकाउंट इतना कामयाब होता तो ट्रेन में लोग पानी के लिए नहीं मरते? ये जनधन अकाउंट है आपका। रेल मंत्रालय की तरफ से जो तमाम कोशिशें की गई, श्रमिक स्पेशल निकाला जा रहा है, उसमें हमने देखा कि महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय भी आपस में भिड़ गए, कहा 40 दे रहे हैं हमें, महाराष्ट्र सरकार ने, हमें 80 ट्रेनें चाहिए। पीयूष गोयल जी ने रात में ट्वीट किया कि हम 125 देने को तैयार हैं, आप हमें लिस्ट दे दीजिए। रात के 2 बजे तक वो वेट करते रहे, फिर उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे अभी तक सूची नहीं मिली है, और फिर पता चला कि उन्होंने 45 ट्रेनों की सूची दी थी जिनमें से 4 पश्चिम बंगाल के थे, अम्फान तूफान की वजह से नहीं जा सकते थे तो 41 गए। ये विरोधाभास क्या कहता है राज्य सरकारों और रेल मंत्रालय की नीति पर? पीयूष गोयल साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है मैडम, वो बहुत बेहतरीन आदमी है, इतने बेहतरीन है कि उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में कह दिया कि भूख से तो कोई मर ही नहीं रहा है, इतने काबिल है वो, इतने काबिल है कि कह दिया कि भूख से कोई मर ही नहीं रहा है। अरे पीयूष भाई आप कौन सी दुनिया में है? आप ट्रेन में, अच्छा ट्रेन चलिए वो बात आपकी सही है, ट्रेन में पीने का पानी इंतजाम नहीं कर सकते आप? जी जी ओवैसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ई एजेंडा में शामिल होने के लिए। और अब आइए आपको लिए चलते हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे सहयोगी रोहित उनसे बात करेंगे। रोहित बहुत बहुत शुक्रिया। अंजना, सन्यासी हैं लेकिन सत्ताधीश हैं, कठोर फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं,